Now, may I request Most Reverend Calisto Po S.J., the Archbishop of Ranchi, Most Reverend Theodore Vasquez S.F.X., the Bishops of Archangels, Very Reverend Father Ajit Kumar S., the Provincial Ranchi Jesuits, Very Reverend Father Manoj Vengadanam, Provincial T.O.R., Very Reverend Sister Lady Grace Topno D.S.A., Superior General, and Reverend Father Anand David Kalko, the Parish Priest of St. Mary's Cathedral on the dais, and take your seat, please. Journey. On the rising sun.
grateful to the junior student sisters of Satan for thanking and wishing our shepherds in form of enchanting song. Your song was full of emotions and meaningful expressions. A truckload of thank you, dear sisters. May God bless you. Amen. फादर विंसेंट पिंच को रांची मादर प्रांत के प्रोविजन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे दोनों चरवाहों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए और उनके साथ हमारे संबंध को साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। उपस्थित सभी प्रोविंसियल्स फादर सिस्टर्स ब्रदर्स और रात्रि सभा महिला संघ युवा संघ और अन्य सबों से उपस्थित प्रतिनिधिगण आप सबों को जय सु और जोहार। आज मैं और विंसेंट मिंज दिव्या रांची महाधर्म प्रांत की ओर से हमारे दोनों विषयों के लिए धन्यवाद स्वरूप दो शब्द कहना चाहता हूं। संत योहन यीशु समाचार अध्याय 17 और संख्या 4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। यह वाक्य हमारे दोनों विषयों के लिए मेरी दृष्टिकोण से सही लगता है। अति माननीय महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो रांची महाधर्म प्रांत, आपने 2018 से आज दिनांक 12 फरवरी 2024 तक रांची महाधर्म प्रांत की कलीसिया की अच्छी तरह से देख रेख सेवाएं की है। आपकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए रांची धर्म प्रांत के पुरोहितगण, धन बहने, धन बंधुगण और लोक घर में आपको कोटि कोटि कृतज्ञ प्रकट करती है। आप शांत स्वभाव के व्यक्तित्व वाले है, धार्मिकता और विश्वास का जीवन जीने के लिए आपने अपने धन पत्रों जो कोरोना काल में ऑनलाइन वीसा के द्वारा हमें आगे बढ़ने में सहयोग किया है। कोरोना काल के दौरान आप विभिन्न पलियों और गांवों में जाकर स्वयं रसद का वितरण किया, बीमारियों से मिलने गए, उनकी मदद की, पुरोहितों और धनबंधुओं का विशेष ध्यान रखा। कात्री सभा, महिला संघ, युवा संघ, क्रूस बीर के अच्छे मार्गदर्शन किए, धन प्रांत में काम करने के लिए सबों को एक साथ लाया, एक साथ मिलकर रांची महाधर्म प्रांत को आगे बढ़ने में मदद की है। कई चर्च, कई निर्माण कार्य आपके द्वारा आपकी निगरानी में आगे बढ़ा, अन्य विकास कार्यों में आपने मदद की, आपका धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक जीवन अच्छे कार्यों के लिए, जीवन के लिए और अच्छे कार्यों के लिए पूरे धर्म प्रांत आपको कोटि कोटि धन्यवाद अदा करती है। अति माननीय धर्माध्यक्ष मस्करेनस धर्म प्रांत, आप
2014 से 2024 आज दिनांक 12 फरवरी तक रांची महाधर्म प्रांत में सहायक बिशप के रूप में काम किए। आपके जोशीले कार्यों सेवाओं के द्वारा रांची महाधर्म प्रांत के सभी लोगों का दिल जीत लिया है। आप कई भाषाएं जानते हैं, गरीब आदिवासियों के प्रति आपके दिल में बहुत प्यार है। आप मिलनसार हैं, सहजता के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। आप अपना कार्य निष्ठापूर्वक निभाते हैं। जब कोई कार्य अधूरा रहता है तो आप 12 बजे तक ही नहीं, रात के 12 बजे तक ही नहीं, लेकिन सुबह 2 बजे तक आप बैठकर अपना काम पूरा करते हैं। आप तेज गति से चलते दौड़ते हैं। भारत नेपाल के राजदूत लियोपोल्डो सेरेली ने आपके पद ग्रहण के दिन डाल्टनगंज के पुरोहितों एवं विश्वासियों को साथ लेकर चलने को कहा है। आपकी पकड़ राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा ताल्लुक है। रांची महाधर्म प्रांत में कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे एमसी सिस्टरों का, यीशु सामाजिक भाइयों का, साथ ही जमीन, विद्यालय या अन्य क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हुई। आपने विकट परिस्थितियों में अपनी सूझबूझ के कार्यों के साथ काम किया है। आप भवन निर्माण कार्यों का भी समय समय पर निगरानी एवं सलाह देते रहे थे। आप और महाधर्म अध्यक्ष फेलिक्स टोपो पल्ली के गांव में विश्व अनुष्ठान के लिए बड़ी सहजता के साथ उपलब्ध होते थे। आप दोनों समय से पहले ही जहां कहीं प्रोग्राम रहता है उपस्थित हो जाते हैं। आप दोनों ने रांची महाधर्म प्रांत के लिए बहुत काम किए हैं। रांची महाधर्म प्रांत के सभी लोग धर्मी पुरोहितगण, सिस्टरगण, ब्रदरगण, आप दोनों को सहृदय धन्यवाद कहते हैं और आपको आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत बधाइयां और नए स्थान के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। It's my pleasure to thank the Reverend Father, President of India, for felicitating our beloved bishops. Now I'd like to invite Father Nicholas Tekka and fellow priest for a farewell song. अपने प्यार ले हो, अपने तो
Thank you.
समारोह में उपस्थित आप सभी लोगों को जय यीशु। प्रभु ईश्वर, तूने हमारे लिए कितनी महान योजनाएं और कार्य संपन्न किए, तू अतुलनीय है। यदि मैं तेरे कार्यों की घोषणा और वर्णन करना चाहूं, तो वे इतने अधिक हैं कि मैं उनके वर्णन करने में असमर्थ हूँ। स्तोत्र 40 पद संख्या 6। स्तोत्र 40 पद संख्या 6 के अंश आप दोनों के साथ व्यतीत बीते वर्षों के हमारे अनुभव के अनुसार सही उतरते हैं। महामान्यवर फेलिक्स टोपो येसु संघी सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष और वर्तमान में प्रेरित प्रशासक रांची महाधर्म प्रांत मान्यवर थियोडोर मस्करिनस SFX धर्माध्यक्ष डाल्टनगंज धर्म प्रांत, आप दोनों की रांची महाधर्म प्रांत की सेवा के लिए कृतज्ञता ज्ञापन की मांगलिक बेला में मैं सिस्टर लिली ग्रेस तोफनोटी ऐसे संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची की परमाधिकारी रांची महाधर्म प्रांत की कलीसिया के संपूर्ण धार्मिक संस्थाओं के धर्म संघी पुरोहित भाइयों धर्म बंधुओं और धर्म बहनों के नाम पर आप दोनों धर्म गुरुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। इस पुनीत बेला में आप दोनों के समस्त कृत कार्यों के लिए कृतज्ञता के दो शब्द प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देते हुए आप दोनों को हार्दिक धन्यवाद एवं भविष्य में ईश्वर की आशीष की कामना करती हूँ। परम आदरणीय स्वामी जी, दक्षिणी चटनांकुर संप्रति झारखंड की महान प्रेरित और इष्ट सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेवंस येसु संघी तथा इष्ट सेवक फादर हरमन रास्काट येसु संघी एवं फादर लुइस कार्डोम येसु संघी की पवित्र कर्म भूमि और यहाँ की धरती पुत्री इष्ट सेविका माता मेरी गणादित्य स्पुट का संत अन्ना के पुत्रियों के धर्म संघ रांची एकमात्र स्थानीय धर्म संघ की संस्थापिका की जन्मभूमि और चोरनाकुर के प्रथम महिला धर्म संघ
लोरेटो धर्म समाज तथा चिल्डोंग के उर्सुलाइन धर्म समाज की कर्म भूमि में महाधर्माध्यक्ष एवं सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में अहर्निश विश्वास की आग जलती रहे। इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेवन सियोसो संघी का नारा बुलंद बनाए रखते हुए महाधर्म प्रांत को निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसरित करने में आप सर्वथा सक्षम सिद्ध हुए हैं। इतना ही नहीं, इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेवन सियोसो संघी इस सेवक फादर हरमन रस्कार्ट यीशु संघी और इस सेविका माता मेरी बर्नाडेट किस्पोट्रा को संत बनाने की राह प्रशस्त करते हुए सर्वप्रथम धन्य घोषणा की शर्तों को पूरा करने के लिए उनके प्रति आदर और भक्ति ख्याति की वृद्धि एवं प्रसारण हेतु विश्वासियों को जागृत करने का आपने एक बड़ा अभियान चलाया है। अत्यंत उत्साह एवं पूर्ण सक्रियता के साथ खुद पानी चंघाई और सरगांव में इस सेवकों के स्मारक के तौर पर तीर्थस्थल गिरजाघर आदि का निर्माण किया है। चोड़ानाकुर की कलीसिया के लिए यह बड़े हर्ष और गौरव की बात है। रांची महाधर्म प्रांत के धर्म गुरु की हैसियत से पूर्वजों द्वारा प्राप्त क्रिस्तीय विश्वास के प्रचार प्रसार एवं उसे सुदृढ़ता देते हुए शिक्षित एवं सम्मानित समाज के निर्माण के लिए हमेशा ही एक दीन सेवक, समर्पित अगुवा, पथ प्रदर्शक, प्रेरक और मूलाधार बने रहे हैं। 2020 के चुनौतीपूर्ण कोरोना काल में विश्वास को जीवित रखने के लिए मीडिया का सहारा लेते हुए पवित्र मिस्सा के सीधा प्रसारण की व्यवस्था करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अपने पुरोहितों को इस विषय में प्रशिक्षित कर YouTube के माध्यम से विशेष धार्मिक कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा आज तक विश्वास प्रशिक्षण जारी रखा है। इसके लिए हम सभी विश्वासी आपके प्रति सदैव धन्यवाद बने रहेंगे। आश्रय में परिवर्तित करते हुए भोजन, वस्त्र एवं जरूरत की चीजें मुहैया कराई हैं। अचानक देश की बंदी की घोषणा के कारण बस तथा सड़कों में चलते फिरते दुखी, थके हारे, त्रस्त मुसाफिरों के बीच चिवड़ा, गुड़, बिस्किट, फल, पेयजल और ग्रामीणों के लिए सूखा चावल, दाल, कपड़े, सैनिटाइजर आदि का वितरण करने की पहल की है। आपने एक संवेदनशील, दृढ़ निश्चयी, सक्षम तथा उत्तरदायी नागरिक के रूप में देश का दयामय चेहरा बनकर कल्याणकारी प्रधान सेवक होने का सराहनीय परिचय दिया है। स्वामी जी समस्त भारत में प्रसिद्धि प्राप्त बिल्लोर अस्पताल के तर्ज पर उत्तर भारत के रोगियों की उत्तम सेवा का ख्याल रखते हुए आपने CBCR दिल्ली की अगुवाई में फादर कॉन्स्टेंट लेवन अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मांडर की नींव डाली और अस्पताल के माध्यम से सभी वर्गों की बेहतर सेवा प्रारंभ कर दी है। खासकर कोरोना काल में अस्पताल के स्टाफ ने क्रिस्त अपने गुरु के सिखाए मूल्यों के अनुसार अपनी जान हथेली में रखकर निर्भीकता पूर्वक पूर्ण तत्परता एवं समर्पण के साथ क्रिस्तीय समुदाय द्वारा निस्वार्थ सेवा का नमूना पेश किया है। स्वर्गीय टेलीस्कोप की कार्डिनल चुप्पोडीडी के कार्यों को आपने हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हुए उनकी बागडोर कुशलता पूर्वक संभाला है। उनका अधूरा सपना पूरा करने का प्रयास किया है। इसी के साथ स्वर्गीय कार्डिनल के अंतिम चरण पर उल्हातु
और मांडर अस्पताल में पितृतुल्य प्यार एवं स्नेह से उनकी देखभाल की और उन्हें हार्दिक भावभीनी एवं सम्मानजनक राजकीय विदाई देकर आपने हमें भी उत्तरदायित्व पालन की भावना जागृत की है और हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें हर परिस्थिति में ईश्वरीय राज्य के विस्तार में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया है। भला गडेरिया अपनी भेड़ों की आवाज पहचानता और उनकी सुगंध से परिचित है, अतः यीशु ख्रीस्त की अंतःदृष्टि, आदर्श तथा मूल्यों और उनके मनोभावों को धारण कर दिल खोल कर उदारता पूर्वक अनेकानेक परोपकारिक कार्य किए हैं, जैसे गरीब एवं तिरस्कृत परिवारों और रिक्शा खींचने वालों के बीच रिक्शा, कंबल आदि का वितरण। इससे सभी वर्ग, धर्म और जाति, विशेषकर आदिवासी दलित समाज के निचले स्तर के कमजोर लोगों के प्रति आपका अगाध प्रेम एवं करुणा प्रकट होती है। हाशिए के लोगों को दूसरों के समकक्ष लाने और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सतत परिश्रम करते हुए प्रयासरत रहे हैं। स्वामी जी धर्मप्रांत के पुरोहितों एवं धर्मबंधुओं के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु ठोस कार्य योजना के अंतर्गत उन्हें अध्ययन के लिए बाहर भेजना आपकी दूरदर्शिता को प्रकट करता है। युवाओं के हितैषी के रूप में धार्मिक एवं अनुशासित जीवन की सीख देते हुए उनके दिलों को कोमल स्पर्श किया है। योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के कुशल निर्देशन में स्पोकन इंग्लिश की कक्षाएं चलाकर अंग्रेजी भाषा को धारा प्रवाह बोलने की क्षमता बढ़ाने और अन्य धर्म संघों के सहयोग से अपोस्तोलिक स्कूल का संचालन कर भविष्य के कर्मठ पुरोहितों को तैयार करने में आप निरंतर सचेष्ट रहे हैं। आपकी सकारात्मक योजना का फल अब दिखने लगा है। हम सभी इसकी सराहना करते हैं। परम आदरणीय स्वामी जी, आपने महाधर्म प्रांत के सभी क्षेत्रों में विकास हेतु छान बिशप्स अर्थात झारखंड, अंडमान और अन्य महानुभवी दूर तथा नजदीक के उदार मित्रों का साथ लिया और कई मायने में उनका नेतृत्व किया है। उदाहरण स्वरूप इस संबंध में कहना उचित है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्याओं के निराकरण हेतु अल्पसंख्यक शिक्षक समन्वय समिति के प्रयास एवं स्थानीय धर्माधिकारियों की अगुवाई में झान बिशप्स के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मंत्रियों तथा शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के समक्ष कई बार शिक्षकों की मांगों को रखा है। आपकी पहल से झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालयों में वर्षों से रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का दरवाजा खुल गया है। लंबित समस्याओं के समाधान होने से विद्यालयों में कार्यरत धर्मसंघों को चिंताओं से मुक्ति और राहत मिली है। फलस्वरूप वे विद्यार्थियों के आदर्श चरित्र, प्रभावशाली व्यक्तित्व व सुनहरे भविष्य के निर्माण में सतत कटिबद्ध रह पाने में समर्थ हैं। एक जिम्मेवार अभिभावक की तरह शिक्षा जगत से जुड़े समस्त शिक्षण संस्थानों और शिक्षक समुदाय पर आश्रित प्रत्येक पीड़ित परिवार को आपने संवारा है। आज हर एक जन आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। आदर्श व्यक्तित्व के धनी स्वामी जी, आपके आमंत्रण पर संत पिता फ्रांसिस के प्रतिनिधि भारत और नेपाल के लिए प्रेरित राजदूत महाधर्माध्यक्ष
लियोपोल्डो जिरेली के चटनागपुर आगमन से उनके चरण स्पर्श द्वारा यहाँ की धरती धन्य हो गई और हम आशीषित हुए हैं। रोम धर्माश्रम के साथ साथ दिल्ली में अवस्थित भारतीय दूतावास और महाधर्म प्रांत तथा अन्य स्थानीय धर्म प्रांतों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आपसी समझदारी, एकता और सही तालमेल बनाए रखते हुए आपने अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा, उदारता, तत्परता और समर्पण के साथ निर्वाह किया है। प्रार्थना में शालीन व्यक्तित्व से सुसज्जित स्वामी जी महाधर्म प्रांत, देश तथा राज्य के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनैतिक विरोधात्मक गतिविधियों एवं तमाम चुनौतियों के बावजूद आपकी गरिमामयी उपस्थिति और मेषपाल किए दायित्वों के निर्वहन से हमने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है। यूं यह कहना निश्चित सार्थक होगा कि आपके सजग, सक्रिय एवं सफल नेतृत्व में महाधर्म प्रांत ने ऊंची उड़ान ली है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है। आप दोनों बधाई के पात्र हैं। फलस्वरूप संत मती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 17 का यह कथन, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ, सही प्रमाणित होता है। आपके माध्यम से रांची महाधर्म प्रांत के ऊपर दयालु ईश्वर की महती दया और असीम कृपा बनी रही है। इसके लिए संपूर्ण महाधर्म प्रांत सदा आप दोनों का आभारी और ऋणी रहेगा। अंततः ईश्वर से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप दोनों के भावी प्रेरित जीवन एवं कार्यों पर पिता ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे, पुत्र ईश्वर का साहचर्य हमेशा प्राप्त हो और पावन आत्मा के सारे वरदानों की वर्षा निरंतर होती रहे। हम सभी आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। थैंक यू। Very Reverend Sister Lady Grace Sukno, DSA Supriya General, को मैं दोनों चरवाहों को फेलिसिटेट करने के लिए, शुभकामना देने के लिए, बधाइयाँ देने के लिए और उनके कामों को हमारे बीच रखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और अभी मैं Very Reverend Father Ajit Kumar Thes, the Provincial of Ranchi, Jesuit को हमारे दोनों चरवाहों को लेमेंटो से सम्मानित करने के लिए सामने बुलाता हूँ और इसमें हमारे फादर जन उनका सहयोग करेंगे। बिशप योर ग्रेस कैलिस्टोपो एंड योर लॉर्डशिप थियोडोर मस्केरेनस, आप भी स्टेज के सामने आएंगे। साथ ही साथ CRI रांची के सदस्य भी गिफ्ट्स के साथ में आएंगे और गिफ्ट्स फादर वेरी रेवरेंड फादर मनोज सुरेंद्र खाना प्रोविंशियल क्यूआर गिफ्ट के साथ में उन्हें
और रांची महिला संघ की माताओं को भी मैं गिफ्ट अर्पित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। रांची महिला संघ की माताओं को भी हमारे चरवाहों को गिफ्ट अर्पित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। माताएं
और सभी धर्म बहनों को मोमेंटोस गिफ्ट्स और उपहार हमारे चरवाहों को प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं श्री पेड्रो सेक्का कैथोलिक सभा के मेंबर्स को हमारे चरवाहों को फेलिसिटेट करने के लिए शुभकामनाएं देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सामने उपस्थित डिफरेंट कॉन्ग्रीगेशंस के माननीय फ्रेंड, लेय पीपल, उनके अगुवागण, यहां पर जो आज साइन बोर्ड लगा हुआ है फ्लेक्स में, ये थोड़ा सा अजीब हो लग रहा था। कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमारे बीच में ये दो शख्स हैं, एक कार्डमन 2014 में राजीव धर्म प्रांत में हुआ और दूसरे का आगमन 2018। ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, किंतु उन दोनों के पास कलीसिया और इनकी जो क्वालिटी है, एक तो साहित्य से भरा हुआ है और दूसरा धर्म, प्यार, नीति, सामाजिकता से भरा हुआ है। जिस समय हम सभी की परिस्थिति हमारे दिवंगत कार्डिनल के कारण जो कुछ भी वैकेंट हुआ था, ईश्वर ने हम सभी के बीच में
इन दोनों को ऐसे वक्त पर भेजा, कोरोना का काल था, अभी सभी को उस पीरियड का बखान भी सुन चुके हैं। किस तरह से इन दोनों शख्स ने अपनी काबिलियत को दिखाते हुए हम सभी यहाँ पर जितने भी विश्वासी हैं सभी को एक सूत्र में, चाहे जैसे भी हो, कोई भी तंत्र हो, नेट हो, अपना सर्वर हो, इंटरनेट हो, सभी के जरिए हम सभी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। यही दोनों की उपलब्धि है। अभी हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मैं इन दोनों को इनकी सफल राजकुशलता और नेतृत्व के लिए हम सभी रांची पल्लीवासी, केवल रांची पल्लीवासी ही नहीं पूरे धर्म प्रांत के विश्वासी हैं, दोनों का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। सभा के सभापति श्री पेतु एक्का को हम के सुंदर धन्यवाद शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः अब मैं महिला संघ के प्रतिनिधि श्रीमती मर्ता टोप्पो को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आकर हमारे सेवाओं के साथ उनके संबंध को हमारे साथ साझा करें। मंचासीन पदाधिकारी, हमारे भले चरवाहे और भाई बहन यहाँ उपस्थित, धन्यवाद और विदाई समारोह में सम्मिलित हमारे सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, हमारी स्नेहमयी माताएं, आप सबों को मैं मर्था टोप्पो रांची महाधराम प्रांतीय कैथोलिक महिला संघ की सभा नेत्री, जय यीशु, जोहार। अति मान्यवर आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो एसडे, सेवानिवृत्त प्रेरित प्रशासक रांची महाधराम प्रांत एवं अति मान्यवर बिशप थियोडोर मास्कारेनस एसएफएस डाल्टनगंज के नए बिशप, आप दोनों को हम रांची महाधराम प्रांत के कैथोलिक महिला संघ की सभी माताओं की ओर से जय यीशु एवं हार्दिक हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। आप दोनों का आगमन रांची महाधर्म प्रांत में क्रमशः आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो एसडे का 2018 से 2024 तक और मान्यवर बिशप थियोडोर मास्कारेनस एसएफएक्स का 2014 से 2024 तक हमारे भले गढ़िये के रूप में आप हमको मिले। इस समय में आप दोनों ने कलीसिया के लिए प्रेरित कार्यों को बढ़ाने के लिए हमें भरपूर सहयोग और प्रेरित कार्यों को करने के लिए प्रेरित किए हैं। कठिन परिस्थितियों में भी गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए आप दोनों हमारे संरक्षक, पिता, नेता, गुरु
और क्रिस्त के प्रतीक रहे हैं। हम माताओं को भी आप दोनों से भरपूर स्नेह मिला, अतः आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं आने वाले कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ईश्वर अपने छात्र छाया में स्वस्थ एवं सुरक्षित रखे। आप दोनों दीर्घायु हो, आप जहां कहीं भी जाएं जलते दीपक की तरह जगमगाते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं आप दोनों को है। हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती मार्था डॉक्टर को, हमारे इस दोनों चरवाहों को, चरवाहों के साथ अपने और सारी मोशन को साझा करने के लिए धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और अभी मिस प्रज्ञा लकड़ा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ को अपने विचारों को साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कुछ तुम भी बोलो, क्या ही कि एक तरफा सुनवाई अदालत भी नहीं मानती है। अति माननीय बिशप स्वामी फेलिक्स टोपो, हमारे बिशप स्वामी थियोडोरस करेनस, दिल कहता है कि आप यही ठहर जाए और दिमाग कहता है कि आप आगे बढ़ते चले जाए। ज्यादा लंबे चौड़े शब्दों में मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन जिस तरह से आप दोनों ने हम जैसे 50,000 से अधिक युवा साथियों का मनोबल बढ़ाया है, आज उनकी आवाज के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपने हमेशा हमें कहा है कि आग जलती रहे, और जिस आग को आपने हमारे हृदय, मन, शरीर और आत्मा में बोया है, आज उन सभी युवाओं के साथ मिलकर हम ये वादा करते हैं कि ना केवल युवा संघ बल्कि महिला संघ, कार्मिक सभा और अंत में केंद्रीय कब्रिस्तान समिति तक पहुंचेंगे और कलीसिया के लिए किसी तरह से अथक परिश्रम और आध्यात्मिक उत्साह के साथ सेवा करते रहेंगे। अंत में मैं चार वाणी कहकर अपने इन शब्दों को विराम देना चाहूंगी। दुनिया गोल है, नसीबी हमारी, फिर मिलेंगे वादा हमारा, दूर जाकर तुम भूल ना जाना, तुम भूल ना जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन प्रज्ञा लग रहा है कि दोस्त जोसे भी भरे शब्दों के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, और इन धन्यवाद के शब्दों के साथ में आई विजेशन इनवाइट हिज एक्सीलेंसी मोस्ट रेवरेंड फेलिक्स टोपो एसजे ऑन द स्टेज टू पोर आउट हिज फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। वेलकम योर एक्सीलेंसी। माननीय मदर जनरल स्वप्न, मेरे प्रिय थियोडोर मस्करेनस, प्रोविंशियल अजीत कुमार
Father Manoj, Divan Prabhupada, Father David, Pali Prohit, our team. सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की इस सुंदर संध्या वेला में प्रार्थना सभा के लिए, धन्यवाद प्रार्थना सभा के लिए, और उसके बाद में शेयरिंग कर जो सभा है उसके लिए। आपने बहुत कुछ सुना, आप लोगों ने बहुत कुछ हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कही, फादर विंसेंट ने और सभी ने, विशेषकर मदर जनरल ने। आपको 100% लेने की जरूरत नहीं है। आशाएं हम बहुत करते हैं, लेकिन जो करते हैं उसमें कमियां रह जाती हैं। लेकिन यह सच है कि हमने बहुत कुछ किया बिशप चंद्र मस्करेंस के साथ, और मेरा स्वभाव है कि मैं शांत स्वभाव का व्यक्ति हूं, और मेरा सिद्धांत है यदि जो कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसे प्रोत्साहित करना, उसे आगे बढ़ाना, उसको उसका सहारा देना। यही चीज मैंने अनुभव किया कि बिशप जनरल मस्करेनस जब दिल्ली से वापस आए, वहां से दिल्ली जनरल आने के बाद, तो यहाँ की परिस्थिति को देखकर उन्होंने बहुत कुछ इनिशिएटिव लिया, और मैंने देखा कि वो अच्छी चीजें थी। जैसे मीडिया को उन्होंने शुरू किया, और लॉकडाउन में आपने देखा कि किस तरह से उस मीडिया के माध्यम से हमने प्रभु के प्रेम को, प्रभु के समाचार को, धर्म विज्ञान को यहाँ वहाँ फैलाया पूरे भारत में और विदेश में। हमें ये समाचार मिलते रहते थे कि बहुत ही अच्छी बात हुई कि मीडिया के माध्यम से हम बहुत लोगों के घरों में पहुँच सके, और उसकी अच्छी अच्छी खबरें हमें मिलती थी कि किस तरह से लोग मिशन शुरू होने के पहले नहा धोकर उसके सामने बैठे रहते थे, और जैसे शुरू होता था तो हम उसमें भाग लेते थे। ये सारी चीज़ें, और इतना ही नहीं, जैसे कि आप जानते हैं जनरल मस्करेनस का बहुत कॉन्टैक्ट है भारत के विदेश में भी, और इसके कारण से उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए, और प्रोजेक्ट के लाने के बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए, क्योंकि गणना मैं नहीं करना चाहता। मिसाल के रूप में हम कह सकते हैं कि जंगई का जो श्राइन बना है वो उन्हीं की इनिशिएटिव से बना है, और इसमें जरूर आप सबका सहयोग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ लॉकडाउन के समय भी आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, उसके लिए भी हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। मैं सोच रहा था कि जरूर हम महात्मा यहाँ थे अभी हैं, तो आप में से आके हाथ मिलाते, मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद मांगते हुए, सलाह मांगते हुए, ये बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसी से हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, और फिर हम समझते हैं कि हाँ, मैं बिशप धर्मादित्य हूँ, और मुझे जो काम सौंपा गया है उसे निभाना है। तो ये
हमको प्रोत्साहित करता है। जैसा मैंने कहा आप लोग से मिलना जुलना बातचीत छोटी छोटी बात है। और जैसे कि आप जानते हैं मैं शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, ज़्यादा नाचना गुड़गुड़ा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में आप सबके प्रति में आदर सम्मान है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भूल गया क्या बोल कि अभी आप लोग जो हमारा विधायक विधायक दे रहे हैं मेरे लिए दोहरा विधायक दो विधायक, एक तो यहाँ काम करते हुए 5.5 साल हो गए और अब 19 मार्च को जब नए एडमिशन के आएंगे हैंडिंग ओवर होगा उसके बाद में मैं फ्री हो जाऊँगा। तो ये मेरे लिए एक मैं उसको उसकी आशा कर रहा हूँ होपिंग फॉर दैट डे कि मैं हैंड ओवर करूँ और चला दे। इसलिए नहीं कि मैं आप लोग को नहीं जानता और चार्ज नहीं करता हूँ, लेकिन जो नया आएगा उसके उसको संपूर्ण रूप से स्वतंत्रतापूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है थोड़ा अच्छा अनुभव नहीं रहा है क्योंकि हमारे जो बिशप थे हमारे पहले वो मेरे साथ 13 साल रह चुके थे जमशेदपुर, तो मैं वैसा नहीं होना चाहता, इसलिए यथाशीघ्र मैं यहाँ से जाना चाहता। दूसरी विदाई है कि अभी 24 वर्ष और 5 महीने हो गए मेरा अभिषेक होने का और उससे भी मैं संपूर्ण रूप से विदा होना चाहता हूँ। उससे भी एक तरह से विदाई विदा है मैं ये समझता हूँ। और इस दरमियान यहाँ से जाने के बाद में मेरी इच्छा है कि मैं कुछ शांति का जीवन बिताऊं, कुछ प्रार्थना मनन ध्यान के जीवन बिताऊं, और बाद में अगर कुछ छोटे मोटे मिनिस्ट्री रहेंगे या बढ़ाने का काम रहेगा तो मैं करूंगा, लेकिन मेरी जो अभिलाषा है इच्छा आंतरिक इच्छा है कि मैं प्रार्थना में अधिक मन लगा के अपना जीवन व्यतीत करूं, यही मेरी इच्छा है। तो इसके लिए मैं जब से चला जाऊंगा वहाँ पर मेरे लिए रूम तैयार कर रहे हैं जैसे कम्युनिटी में, मैं वहाँ रहूँगा और मेरे स्वागत करने के लिए तैयार है हमारा, आप तो ला सकते हैं वहाँ पर खाना में जरूर खिला दूंगा। अभी क्रिसमस के बाद से थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गई है, सबको तकलीफ होती है, लेकिन ये भी ईश्वर का वरदान ही है और इसको भी मैंने स्वीकार किया है। और जैसे कि आप लोग ने देखा कि हम लोग सर दोनों बिशप लोग वैयक्तिक कार्य के लिए मिनिस्ट्री के लिए हरदम तैयार होते हैं, हरदम कभी भी किसी को नकारा नहीं, हरदम हम लोग तैयार रहते थे, क्योंकि मुझे पास्टोरल वर्क में बड़ी खुशी होती लोगों से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए, इस सब में मैं अपना फुलफिलमेंट पाता रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही है और हो सकता है कि आगे भी मैं ऐसा कर सकूँ। अंत में मैं यही कहूँगा मैं पूरा आप सब प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि किसी न किसी तरह से आपने सहयोग किया है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। और विशेष रूप से मैं बिशप जोगर मस्कारेन्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी संगति में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने एक साथ किया और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक वरदान है, क्योंकि जैसे ही वे दिल्ली से आए एडमिनिस्ट्रेशन का काम उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, मुझे बहुत हल्का हो गया,
जमशेदपुर में मैं सुबह 7:30 बजे ही बजता था और पूरा काम करता था चिट्ठी पत्र क्या क्या। यहाँ पर तो हमको चांस ही नहीं मिलता यही लोग सबका ये अच्छी बात है तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और महिला संघ से भी हमको बहुत सपोर्ट मिला है, ये लोग बार बार आती थी और बार बार सलाम मुस्कुराहट करती थी तो वो भी अच्छा ही था और अच्छा था कि एक चीज और ट्रिगर पुरस्कार के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इनिशियल प्रोफेशन है कैंडिडेट हॉल ओरिएंटेशन सेंटर माइनस और प्रोपेटरी इस पर भी इन्होंने सिस्टमेटिक से काम किया है और ये मैं सोचता हूँ कि आगे अच्छी तरह चलेगा। फिर कोविड आने के पहले हमने फर्स्ट मास्टर काउंसिल डायसेसन मास्टर काउंसिल फाइनेंस कमेटी आदि के बारे में बुकलेट बनाती थी और फिर यूथ के लिए भी बुकलेट बनाती, लेकिन कोविड आने के बाद में सब रखा गया और उसके बाद में जब उनको आपस में बना दिया गया डाटा तब फिर उनका मन और दिल पड़ गया और पटना जीत भी था क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी बातें थी जिनको स्वीकार करना था। But with courage and he has integrated, he has streamlined many of the things, institution people, and so it does take some time. And so great to go to him. और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब जो क्रेडिट इसको दे रहे हैं वो असल में उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए और उनको क्रेडिट दीजिएगा क्योंकि आप जान मैं जानता हूँ मेरी सीमाएं क्या है और उसी के आधार पर बिना ईगो पर ध्यान देते हुए मैंने अलाउ किया और सहयोग किया है। तो अंत में पुनः मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग अपने विश्वास में मजबूत रहिए, समय को पहचानिए, समय के जीवन को पहचानिए और उसी के अनुसार कदम रखिए। आपस में मेल प्रेम से रहने का प्रयत्न कीजिए, एक दूसरे से सहयोग कीजिए और आज डायसिस स्पेशली है उसके लिए भी आप सहयोग देने का प्रयत्न कीजिए। तो एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद, जय श्री। फादर जोसेफ नरियानस कुजूर को हमारे बिशप जी को कल स्टेट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। एक दो शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हेलो तो शिक्षक ने एक दो बातें जो कक्षा मैंने आप लोगों को दिया भी बहुत विशेष है, दोनों हैदराबाद से हमें प्राप्त हुआ था, मैं किसी को नहीं देता था लेकिन मैंने सोचा इस स्पेशल अवसर पे आप लोगों के लिए बना था क्योंकि आप दोनों बहुत विशेष हैं, आप स्पेशल हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो बहुत हमने दिया है आप ये सिंबलाइज करते हैं, दूसरों को आप जीवन देते हैं, दूसरों को एक नयापन देते हैं। और अगर संक्षेप में आप दोनों के व्यक्तित्व को निचोड़ना चाहूंगा तो एक शब्दों में दे सकते हैं, यू सिंबलाइज गवर्नेंस विथ स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप एंड पास्टोरल लीडरशिप। जो हम आपके गवर्नेंस में देखा करते थे
विभिन्न रूपों में और बिल्कुल गहरी आध्यात्मिकता, चाहे आप अगर आज बिशप के बारे में हम कह सकते हैं कि अगर वो कॉन्टेम्प्लेशन है तो एक्शन है हमारे बिशप बस्कर रसल कॉन्टेम्प्लेशन की बात है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ उसमें डेप्थ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जैसे आप बिशप रांची आप डायसिस आए, उन्होंने अपनी जो आध्यात्मिकता है उनको शेयर करने की कोशिश की बुलेटिन के माध्यम से, न्यूज लेटर के माध्यम से, जैसे वो अपने डायसिस पुराने डायसिस में क्या करते थे जमशेदपुर में, और साथ साथ उनकी आध्यात्मिकता की छाप हमें मिलती है दोनों की, उनके उपदेशों में, चाहे उनके रिफ्लेक्शन में, चिंतन में, और इसलिए हम उनको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। अपनी बातों का समापन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अगुवाई ऐसे समय में आप लोगों ने दी है जब हमारा आर्च डायसिस कठिनाइयों से, मुश्किलों से गुजर रहा था, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी, लेकिन आप दोनों ने एक साथ मिलकर और इससे कन्वर्जेंस का इससे बेहतर नमूना हमारे सामने मिल नहीं सकता। जैसे दोनों ने एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए हम लोगों को हमारी अगुवाई की है, मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत जगहों में ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और इसलिए अपनी बातों को समाप्त करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप दोनों यहाँ से चले जा रहे हैं, चले गए हैं, और ये आर्च डायसिस आप लोगों को, चाहे ये डायसिस रांची आप लोगों को बहुत मिस करेगा, हम लोग आप लोगों को बहुत मिस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो भी प्रेरणाएं दी हैं हम लोगों को वो हमारे साथ रह जाएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। एक कवि ने चार पंक्तियां कही थी उनके साथ, उनको आपके सामने रखते हुए मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। What shall I say to you when I think of you today, both of you? What shall I say when I think of you today for the wish that I would wish you goes beyond what I can say? लेकिन आप लोगों का जो अपनापन था, जो सानिध्य था, जो प्रेम था, जो प्यार था, हमसे भूले नहीं बुलाया जाएगा। और आप लोगों को अप्रोच करने में जो सरलता थी, कभी भी हम आपको अप्रोच कर सकते थे रात को 12 बजे भी, लेकिन बिना किसी एटीट्यूड के, बिना किसी समस्या के हम आपसे कभी भी मिल सकते थे, कभी भी आपको अप्रोच कर सकते थे। तो ये सरलता, ये विनम्रता, ये सिर्फ ऊपर वाला दे सकता है, ये और एक वरदान है। इसलिए योर प्रेजेंस वाज अ ब्लेसिंग टू द आर्च डायसिस ऑफ रांची एंड आई एम श्योर इट विल कंटिन्यू टू बी अ ब्लेसिंग टू द डायसिसेस यू रिप्रेजेंट और यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट एंड इट कंटिन्यूज टू बी अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस इन द आर्च डायसिस इन द रीजन एंड फॉर द एंटायर चर्च एट लार्ज। अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस एंड मे वी बी ब्लेस्ड थ्रू योर ब्लेसिंग्स एंड थ्रू योर इंटरसेशन। Heart vibrates with joy to thank the heart of Ranchi Archdiocese, Most Reverend Felix Rocco S.A., who is a sparking star and a ray of hope for all of us. He shared his thoughts and feelings with us. Thank you, Your Grace. I also thank Father Marianus Joseph Kuzur, who presented the gifts and shared his thought with us. Thank you, dear Father, and Your Grace. Now, may I request Bishop Theodore Mascarenhas to address the gathering. My beloved Archbishop, Archbishop Aristopo, all the provincials, Mother General, Father David, only two provincials are there of the Father, that's why they're sitting on the stage. There's only one Mother General, she's sitting on the stage. There are many other provincials, you are sitting down. If you want to sit on the stage, open your provincial, it's in Dalton. I don't have any provision. आज मैं सदा छोटे से भाषण करता हूँ,
लेकिन आज अनुमति चाहिए थोड़ा सा लंबा करने। I don't know where to start, where to end, but I just first a thank you. अब सबों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। Starting with Archbishop Felix Topo. कोई सहायक बिशप को आज बिशप मिले तो ऐसे इतने अच्छे तरह से उसके साथ काम कर सके हम। टुडे व्हाटएवर आई कुड डू वो लिखा है 2014 टू 2024, लेकिन 2016 के मार्च में मैं दिल्ली गया और 2019 जून में वापस आया और 2014 कार्डिनल टेलीस्कोप को किया करता हूँ। आई डिड नॉट नो रांची एट ऑल, कभी यहाँ पहुंचा नहीं था। पूरे झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, ये पूरा ईस्टर्न रीजन, क्योंकि मैं पिलर सोसाइटी का नॉर्दर्न प्रोविंस दिल्ली उस साइड का था। 6 साल बठिंडा में काम किया था और ज्यादा से ज्यादा पंजाबी में काम चलता था। जब यहां आया शायद आप लोगों को मुश्किल था मुझे एक्सेप्ट करने को, लेकिन उससे ज्यादा मुझे मुश्किल था यहां रहने को। Only those who go to unknown areas. सिर्फ एक व्यक्ति मुझे यहाँ पहचानता था, कार्डिनल टेरेस्पोतो को, बाकी और किसी की पहचान नहीं थी। लेकिन जिस प्यार से आज बिशप हाउस में जो फादर थे उन्होंने मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा और मेरी कोई भी जरूरत छोटी सी भी, ज्यादा जरूरतें नहीं है मुझे, लेकिन छोटी सी भी कुछ जरूरत पड़ती थी दे वर रेडी टू बी देयर। बट फर्स्ट आर्चबिशप फेलिक्स टोपो, बिकॉज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माय मिशन आई हैव स्पेंट विद हिम। Neither of us did anything without asking each other. Even the smallest thing, I used to ask him, and even the smallest thing, he did not have consulted me. जरूरत नहीं थी कि आप बिशप साहब बिशप से कंसल्ट करता। साहब बिशप को जरूरत है कि आप बिशप से कंसल्ट करें, लेकिन आज बिशप को कभी जरूरत नहीं थी नियम के अनुसार, फिर भी कुछ भी कर लेते बिना कंसल्टेशन कभी नहीं करते। और मैं नियम के अनुसार छोटा भी चीज आर्चबिशप को बोलने बिना कभी नहीं किया। हमारी तालमेल इतनी अच्छी हो गई सब, जब आर्चबिशप डिसीजन लेता था कोई कोई बोलते थे छोटा बिशप डिसीजन कर रहा है, जब मैं कुछ करता था तो बोलते थे आज बिशप कर रहा है, लेकिन तालमेल इतनी अच्छी थी। आज बिशप विल ऑलवेज बी वेरी डियर टू मी, रिमेन इन माय हार्ट, एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू फॉर द गाइडेंस, केयर, एंड वेरी ऑफन द करेक्शंस यू मेड सो दैट आई कुड वॉक द राइट पाथ ऑफ अ बिशप। थैंक यू वेरी मच। हमारे डायसिसन प्रीस्ट, बिशप का काम पहला उसके फर्स्ट कैटेगरी कोलैबोरेटर्स प्रीस्ट से होता है। आई हैव मेड अ प्रॉमिस एट द स्टार्ट ऑफ माय एपिस्कोपेट दैट आई वुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर माय प्रीस्ट, व्हिच एवरी बिशप हैज टू डू, एंड आई कैन से आई डिड दिस फेथफुली। Whether people accept it or not, doesn't matter. But whatever I have done out of love for my priest,
each of them in whatever way I could be of help. Whether it was the time they required support in something financially, sometimes some of them were living in difficult conditions. Sometimes they were sick. Archbishop and myself made sure that every priest got best of care. Sometimes both of us physically, especially during COVID time, lifted and took them to the hospitals. But we did not do anything more than our duty. I don't think anybody has to be grateful, but what I did, what Archbishop did, both of us did together for our priest was out of duty. But I thank the diocesan priest for the love, affection. Anytime we went to any parish, they welcomed us, took good care of us. The relations, the religious. For us, both of us are religious. The cooperation that we got from the religious in this archdiocese is exemplary. I can't use any other word. It is an example to every other diocese. Yadi religious hamare saath nahi hote, to jitna bhi is diocese mein chal raha hai, वो आगे नहीं बढ़ सकता. Diocesan priest and religious complementing each other is the success of any diocese, of any archdiocese. During the COVID period, it is not only we two who worked, our diocesan priests were involved, the religious were involved. Mahila Sahib, to a very great extent, the youth, to a very great extent. And we are grateful to you. Because this archdiocese, during the COVID period, came to be known throughout the country and the world as an archdiocese that was always at the service of the people. Kahin-kahin diocese mein फादर लोग सब लोग अंदर रहते थे, लेकिन आज डायसो रांची में सभी स्ट्रीट्स में सर्विस में टू हेल्प द पीपल. वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर द सपोर्ट यू गिव अस. महिला संघ, युवक संघ और कैथलिक संघ और क्रूसफिट. क्रूसफिट थोड़ा सोया हुआ था आखिरी साल में, उसको थोड़ा जगाया है. तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद सब कुछ के लिए, आप लोगों के हाथ के लिए. माताओं को देखता था तो मेरी माता की याद आती थी, इतना प्यार से बुलाते थे, कभी मिलने आते थे, कभी एक भी शब्द बोलते थे. विमेन हैव अ स्पेशल टच. तो थैंक यू वेरी मच. दो तीन बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, विच आर वेरी डियर टू माई हार्ट. माई मिशन इज बेस्ड ऑन थ्री फैक्टर्स. फर्स्ट, गरीबों का प्यार. जब मैं यहां पहली बार आया, कई गांव में गया, 21 साल रोम पे था मैं. गोवा की का जीवन, रोम का जीवन, यहाँ आया. पहली बार जब मैं गांव में जाता था, रात को आके मुझे रोने आता था कि हमारे लोग अभी भी ऐसे पड़े हैं. अभी भी कभी कभी रोता हूँ, क्योंकि समटाइम्स वी आर हेल्पलेस. उनका सिचुएशन देख के काफी हेल्पलेस है. अनलेस ऑल ऑफ अस वर्क टुगेदर,
एक गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड आगे नहीं बढ़ेगा। जो ऊपर जाते हैं ऊपर नहीं रहना, जो नीचे है उनको भी मदद करना। सेकंड, क्रिएशन ऑफ अ गुड लीडरशिप। इसलिए हम काफी हमारे आर्किटेक्ट भी बोला, हमारे माइनस सेमिनरी को, हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे सेमिनरियंस को, हमारे यंग प्रीस को काफी अटेंशन दे रहे हैं कि आगे की लीडरशिप, हम तो चलते चलते सिक्स फुट अंडर जाएंगे, भविष्य तो आगे बढ़ाना है, आगे रखना है। ओनली वेन वी हैव द करेज टू हैंड ओवर पावर्स टू पीपल लोअर देन अस, सोसाइटी ग्रोज। सब कुछ हमारे हाथ में रखेंगे, दूसरों को नहीं सिखाएंगे। दिस इज माई एडवाइस टू कॉन्ग्रीगेशन, टू डायसिसेस, टू एवरीबॉडी, व्हेरेवर आई स्पोक ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑल्सो, लेट अस लर्न टू मेक लीडरशिप ग्रो। नए नए चेहरे आना चाहिए, नए नए लोग, जो पुराने उनको बाहर नहीं करना है, लेकिन साथ मिला के काम करना है। ओनली वेन वी क्रिएट लीडरशिप एंड वर्क विद द एग्जिस्टिंग लीडरशिप, वी विल बिल्ड द फ्यूचर। और तीसरा, विश्वास के बारे में बहुत ही चिंता है। जैसे आप लोग जानते हैं, almost all our institutions are coming under attack from different angles. लोगों की घर वापसी की बात चल रही है, उनको काफी दबाव लगा के कई कई स्टेट्स में शुरू हुआ है, पूरे विलेजेस को घर वापसी की बात कर रहे हैं। कहीं जहां इंस्टीट्यूशंस अच्छे तरह चलते हैं, कुछ आरोप लगा के फादर को, सिस्टर को, टीचरों को अंदर करना, एंटी कन्वर्शन पर, और इसी में आदिवासियों का डिलिस्टिंग, आदिवासियों का जमीन छीनना, आदिवासियों के हक लेना, इसमें हम चतुर नहीं रहेंगे तो भविष्य में हमें काफी मुश्किल। रांची आज डायसिस हैज टू बी द लीडर ऑफ झारखंड। कैपिटल है, राजधानी है, महाधन प्रांत है, यहां से जो भी उदाहरण मिलेगा, जो भी गाइडेंस मिलेगा, उसी के अनुसार बाकी का झारखंड आगे बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पोलिटिकल लीडरशिप है, उससे मिलना, यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ सबसे ज्यादा 89 रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस है, यहाँ हमारे पास अच्छे डायसिसन प्रीस्ट है, सब इकट्ठा होके ले लीडरशिप है, महिला लोग है, युवा योग संघ है, और 50,000 के ऊपर युवा है, इनको हम सही दिशा नहीं देंगे तो आगे में काफी पांच साल हम देखे हैं क्या हुआ था। वैसे पांच साल दोबारा आने के संभावना भी है, इसलिए हम विश्वास में मजबूत रहेंगे, दूसरों को मजबूत करेंगे। सदा बोलते रहा, जो डरेगा वो मरेगा। यदि हम हमारे हकों के लिए खड़े नहीं होंगे तो ये हक चले जाएंगे, और एक बार चले जाएंगे वापस होंगे। सबसे बड़ी चिंता डिलिस्टिंग की है। डिलिस्टिंग का मतलब आप लोगों ने समझना चाहिए कि पहला रिजर्वेशन चले जाएगा, दूसरा यदि डिलिस्टिंग होगा मतलब जो क्रिश्चियन है उनको जमीन पे भी हक नहीं है, क्योंकि फिर शरीर से बाहर हो जाए।
ये दोनों बाहर निकलेंगे तो आप लोग सोचिए हम लोग कहां। और इसलिए मेरे प्यारे फादर लोग, सिस्टर लोग, हमारे भाइयों बहनों, नया आर्कबिशप आने वाला है, उसका साथ दिया, उसको सपोर्ट कर कलीसिया, आर्कबिशप फेलिक्स की, मेरी पुरोहितों की नहीं है, सबों की है। और एक साथ हम चलेंगे तभी हमारी कलीसिया आगे बढ़ेगी, समझ आगे बढ़ेगी। एक वेरी पर्सनल नोट, इफ आई हैव हर्ट समवन, किसी को कुछ कहा, किसी को दुख पहुंचा, तो मुझे क्षमा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Your Lordship, for enlightening us with your thoughts, ideas, and sharing your feelings with us. We will always be grateful to both Archbishop Felix Topo SJ and Bishop Theodore Vaskarnes SFX for your immense contribution to the Archdiocese of Ranchi. Now that we have come to the end of this event, I would like